फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद बाबल सर पे। देखिए दोस्तों, अपने राजस्थान ज्योग्राफी की क्लास चल रही थी, जिसके अंदर अपना टॉपिक चल रहा था, वो चल रहा था राजस्थान की सिंचाई परियोजनाएं। अच्छा, राजस्थान की सिंचाई परियोजनाएं, ये अपना टॉपिक चल रहा था राजस्थान की सिंचाई परियोजना। अच्छा देखिए दोस्तों, राजस्थान की जो सिंचाई परियोजना टॉपिक था, इसके अंदर अपनी दो क्लासें कंप्लीट हो चुकी है। इन क्लासों में क्या क्या चीजें अपन ने पढ़ी है वो मैं आपको एक बार डिस्कस करता हूं। पहली चीज अपन ने पढ़ी थी कि राजस्थान की सिंचाई के साधन थे, उनका अपन ने क्या किया था, वर्गीकरण किया था, ठीक है। दूसरी चीज जो दोस्तों अपन ने पढ़ी थी, वो पढ़ी थी राजस्थान की जो बहुउद्देशीय परियोजनाएं थी। राजस्थान की बहुउद्देशीय परियोजना थी, लेकिन इसमें दूसरा स्टेट भी क्या था, शामिल था, कोई दूसरा स्टेट भी, एक या दो उसमें क्या थे, शामिल थे, ठीक है। वो पढ़ी थी अपन ने चार, बाकड़ा नांगल, रावी व्यास, चंबल और माही परियोजना, ठीक है। ये चार परियोजनाएं अपन ने पढ़ ली थी। तो दोस्तों यहां तक की चीज अपने क्लियर है, ठीक है। जिसके अंदर अपनी चंबल परियोजना जो थी वो क्या थी, इंपॉर्टेंट थी, मैं आपको बता चुका हूं। चंबल परियोजना अपने क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अगली जो टॉपिक अपने को पढ़ना है वो पढ़ना है राजस्थान की जो वृहद सिंचाई परियोजनाएं है, ठीक है, जिनको राजस्थान की नहरी परियोजना भी, राजस्थान की बहुउद्देशीय परियोजना भी कह सकते हो, ठीक है। क्यों? क्योंकि राजस्थान में न केवल सिंचाई के लिए बल्कि पेयजल के लिए भी क्या होती है, यह अति उपयोगी होती है, ठीक है दोस्तों। तो अपन कंटिन्यू करते हैं अब राजस्थान की जो है नहरी परियोजना। अच्छा, राजस्थान की जो नहरी परियोजना है, कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको ये चैनल अच्छा लग रहा है, इस पर रोजाना का मैं क्वेश्चन भी डालता हूं वीडियो, अलग अलग सब्जेक्ट के, कभी ज्योग्राफी, कभी कंप्यूटर के, तो अगर ये चीजें आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। देखिए दोस्तों कि सबसे पहले राजस्थान के जो उसका अपन फिगर समझते हैं, मैप के अंदर उसको समझते हैं चीज को, और फिर उसके बाद अपन कंटिन्यू करते हैं। इस तरह से अपने राजस्थान का कुछ मैप होता है कुछ, ठीक है। इस राजस्थान के मैप के अंदर दोस्तों जो मुख्य सबसे नहर होती है, ठीक है, अपन पढ़ रहे हैं टॉपिक, पढ़ रहे हैं अपना राजस्थान की नहरी बहुउद्देश्य परियोजना, यह टॉपिक है राजस्थान की नहरी बहुउद्देश्य परियोजना। देखिए सबसे जो दोस्तों इंपॉर्टेंट है वो है अपने कि इधर से एक नदी आती है रावी, ठीक है, ऊपर की जो नदी आती है वो आती है सिंधु, जेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज। तो एक नदी आती है इधर से व्यास और दूसरी नदी आती है इधर से सतलज, ये आ रही है रावी और ये आ रही है, ये दोस्तों यहां पर मिलती है, ये क्या मिलती है, यहां पर मिलती है। यहां पर एक बांध बनाया गया है हरिके बैराज, कौन सा बांध बनाया गया है, हरिके बैराज, जो कहां बनाया गया है, पंजाब के फिरोजपुर में। अगर एग्जैक्ट इसकी लोकेशन आपको ध्यान रखना तो वो याद रखना फिरोजपुर पंजाब, ये बनाया गया बांध। यहां से दोस्तों एक नहर निकाली गई, यहां से नहर निकाली जिसको अपन कहते हैं IGNP, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। और इसी से जो सतलज नदी आगे जाती है, इससे एक नहर निकाली गई है दोस्तों, जिसको अपन कहते हैं गंग नहर या फिर राजस्थान नहर, ठीक है। और इसी से सतलज से निकाली गई है एक नदी जो यहां पर है, वो राजीव गांधी सिद्धमुख नहर या परियोजना, ठीक है। तो तीन तो हो गई अपने पास, ये कौन कौन सी हो गई, देखो पहली, दूसरी और तीसरी। फिर दोस्तों इधर गुजरात है, गुजरात में एक बांध है सरदार सरोवर बांध, इससे निकाली गई है नर्मदा नदी, कौन सी नहर निकाली गई है, नर्मदा नदी, जो स्पेशली जालौर और बाड़मेर वाले क्षेत्रों के लिए, जिसमें सर्वाधिक सिंचाई किसमें होती है, जालौर, इधर जालौर बाड़मेर वाले क्षेत्र है, ठीक है। फिर देखिए दोस्तों यहां पर एक नदी जाती है यमुना, यमुना से दोस्तों नहर निकाली गई है, वो निकाली गई है, एक तो निकाली गई है भरतपुर
भरतपुर नहर और दूसरी निकाली गई, ये हो गई अपने भरतपुर नहर, और दूसरी दोस्तों निकाली गई वो निकाली गई गुड़गांवा नहर। ठीक है, ये किसके अंदर आती है? भरतपुर के। तो कितनी हो गई देखो, 3, 4, 5 और 6 तो ये हो गई। ठीक है, फिर इसके अलावा भी इसमें कुछ नहर है, जैसे कुछ परियोजना है, जैसे बिसलपुर परियोजना, बिसलपुर परियोजना ये अपने टोंक वाला क्षेत्र, यहां करके आता टोंक, तो ये अपने टोंक वाले क्षेत्र से, हालांकि इसका लाभ किस किस को मिलता है वो भी अपन देखेंगे। ठीक है, बिसलपुर परियोजना। ठीक है, फिर देखिए इसमें निकाली गई जो भीखाबाई परियोजना, पूरा नाम इसका है भीखाबाई सागवाड़ा परियोजना, ये इधर डूंगरपुर बांसवाड़ा वाले की तरफ, सागवाड़ा तहसील की तरफ है। ठीक है, लेकिन जो दोस्तों अति महत्वपूर्ण जो है वो ये 6 है आपके लिए, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, गंग नहर, राजीव गांधी, गुड़गांव, भरतपुर और नर्मदा, और ज्यादा ले लो बिसलपुर साल। ठीक है, जो बाकी 2-3 उनके बारे में आपको बिल्कुल शॉर्ट के अंदर बता दूं। ठीक है, तो आप बनाना चाहो सबसे पहले ये मैप बना लो आप ऐसे कैसे, और इधर ये 2 नाम लिख लो, बिसलपुर परियोजना टोंक और भीखाबाई परियोजना, भीखाबाई सागवाड़ा परियोजना। ठीक है, एक बार नोट डाउन करो, देखिए इसको यहां तक। हां तो फ्रेंड्स, यहां तक की चीज अपने क्लियर है। अब देखिए अपन देखते हैं इसके अंदर आगे, अपन वन बाय वन पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन लेंगे जो अपनी सबसे इंपॉर्टेंट नहर है वो है इंदिरा गांधी नहर परियोजना। इसका पुराना नाम था वो था राजस्थान नहर, और इसका कब नाम इंदिरा गांधी नहर रखा गया वो भी अपन यहां पर डिस्कस करेंगे। तो देखिए अपन देखते हैं सबसे पहली जो अपनी नहर है, पहली जो नहर है राजस्थान की दोस्तों वो है अपनी राजस्थान नहर, और जिसका दूसरा नाम क्या है पब्लिक करके लेता हूं, IGNP, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो इसका उद्घाटन, सबसे पहले बात करते हैं कि इसका उद्घाटन कब हुआ था। तो दोस्तों इसका उद्घाटन हुआ था 31 मार्च 1958। अपने राजस्थान दिवस मनाया था 30 मार्च को, इसका उद्घाटन हुआ था अपने 31 मार्च 1958 को। अच्छा, किया किसने था? तो दोस्तों उद्घाटन किया था गोविंद वल्लभ पंत। अच्छा, गोविंद वल्लभ पंत ने क्यों किया, कौन थे वो? दोस्तों वो थे उस टाइम तत्कालीन गृह तत्कालीन गृह मंत्री। अच्छा, इसके जो इंजीनियर थे दोस्तों वो कौन थे? वो थे कवर सेन। इंजीनियर का नाम क्या था? कवर सेन। विशेष रूप से दोस्तों था क्या कि जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना, राजस्थान नहर परियोजना का जो मुख्य उद्देश्य था वो ये था कि व्यास और जो सतलज नदी है उनका पानी का उपयोग राजस्थान के लिए किया जा सके। तो कवर सेन ने सन 1948 में ये क्या दे दी थी, अपनी योजना प्रस्तुत कर दी थी कि आप बीकानेर जो है राजस्थान का, जो बीकानेर जो सूखाग्रस्त जिला है उस जिले में आप पानी की जो है समस्या को किस प्रकार से हल कर सकते हो। परंतु ये जो है बाद में एक जो आया उद्घाटन हुआ इसका कब हो चुका, वो हो सका 31 मार्च 1958 किसके द्वारा किया गया, गोविंद वल्लभ पंत के द्वारा। थे क्या उस टाइम? तत्कालीन गृह मंत्री। तो ये तो हो गई इसके बारे में जानकारी। अच्छा, अब आप पूछ सकते हो इसका IGNP यानी कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना नाम कब किया। तो दोस्तों बात है 2 नवंबर 1984, इंदिरा गांधी नहर परियोजना नाम कब किया गया इसका, यह किया गया अपने 2 नवंबर 1984 को। ठीक है, उससे पहले किसके नाम से जाना जाता था इसको, राजस्थान नहर के नाम से, फिर इसका नाम क्या कर दिया, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। अपने जो दिवंगत प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी उनकी याद में या उनको सम्मान देने के लिए क्या कर दिया गया, 2 नवंबर 1984 इसका नाम क्या कर दिया गया, IGNP। तो क्या, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आपको, क्वेश्चन सीधा जब पूछ सकता है आपको एग्जाम के अंदर, राजस्थान एग्जाम के अंदर, राजस्थान पुलिस है पटवारी वगैरह रीट वगैरह के अंदर, कि राजस्थान नहर का नाम इंदिरा गांधी नहर परियोजना कब किया गया। क्लियर है यहां तक की चीजें? ठीक है, तो दोस्तों ये हो गया इसके बारे में आपके जो। अच्छा, फिर उसके अलावा एक छोटी सी चीज और, इसका निर्माण किस पर किया गया, निर्माण किस पर किया गया था, निर्माण किया गया है व्यास व सतलज नदियों पर।
निकाली कहां से गई है ये? तो ये निकाली गई है दोस्तों हरिके बेराज। हरिके बेराज कहां है? फिरोजपुर पंजाब। हरिके बेराज फिरोजपुर है पंजाब। यहां तक क्लियर है आपको? ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों अपने किसके बारे में? राजस्थान नहर के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन। ठीक है, अब देखिए दोस्तों आपको इसको मैप के माध्यम से समझना है पूरा कि किस प्रकार से निकाली गई है और ये कहां तक जाती है। अभी दोस्तों इसके दो चरणों का काम पूरा हो चुका है, पहले चरण में ये कहां तक थी और दूसरे चरण में ये कहां तक पहुंची। ठीक है, उसके बाद में अपन देखेंगे कि जो राजस्थान नहर है उसके बनाई जाने वाले उस पर जो लिफ्टें बनाई गई है और लिफ्टों के बारे में देखेंगे और उन लिफ्ट से कौन कौन सा जिला कौन सी लिफ्ट से लाभान्वित होता है उसके बारे में देखेंगे और फिर अपन देखेंगे इसकी शाखाएं। ठीक है, और फिर इसकी अगर कोई पेयजल के लिए अगर शाखाएं निकाली गई है तो उन शाखाओं के बारे में अपन क्या करेंगे? पढ़ेंगे। ठीक है, फिर इसके फायदे क्या है, फिर इसमें एक सिस्टम लगाया गया है स्काडा सिस्टम करके, स्काडा सिस्टम के बारे में अपन जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो देखिए अभी नोट डाउन नहीं करना है, पहले आप देखिए कि अपन इसको देखते हैं कि ये कहां से निकाली गई है, किस प्रकार से निकाली गई है, वो सारी की सारी चीजें अपन इसके अंदर देखते हैं। देखिए दोस्तों, अगर राजस्थान का ऊपर ऊपर वाला अगर मैं भाग बनाना चाहूं तो मेरे पास इस प्रकार का कुछ बनेगा। ठीक है, यहां पर है दोस्तों अपने फिरोजपुर पंजाब। क्या? फिरोजपुर पंजाब, जहां पर कौन सा बैराज है? हरिके बैराज। कौन सा बैराज है? हरिके बैराज। अब देखिए यहां से निकाली गई है ऐसे होते हुए निकाली गई है यहां तक। ठीक है, ये नहर निकाली गई है फीडर नहर। अच्छा, कहां तक निकाली गई है? तो ये निकाली गई है दोस्तों मसीती वाली मैटुका, तब आपको दिख जाएगा क्लियर। देखिए क्या किया गया है, हरिके बैराज से निकाली गई थी और फिरोजपुर, हरिके बैराज है कहां? फिरोजपुर पंजाब के अंदर। ये पहले बता चुका हूं, मैं यहां भी लिख चुका हूं। फीडर नहर, फीडर नहर का मतलब ये है कि ये सारी की सारी जो है पाइप है। ठीक है, कि ये पाइप के द्वारा पैक है यहां तक, यानी कि यहां इधर और इधर इसके पानी का कोई उपयोग नहीं होता, भाई पैक है पाइप। यहां पर सीधा अगर पाइप कहां खुलता है? मसीती वाली हनुमानगढ़। कहां खुलता है? मसीती वाली हनुमानगढ़। ठीक है, फिर जो दोस्तों अगली जो निकाली गई है ये इसकी दोस्तों निकाली गई है मुख्य नहर। ये क्या निकाली गई है? इसकी मुख्य नहर। अच्छा, ये मुख्य नहर कहां तक निकाली गई है इसकी? ये अगर यहां आ जाऊं मैं तो ये निकाली गई दोस्तों दूसरे वाली बीकानेर। फिर यहां से एक मुख्य नहर और निकाली गई है, वो कहां तक निकाली गई है? गडरा रोड। इसको थोड़ा मैं बाड़मेर जोधपुर में आ गए थोड़ा आगे ले लेता हूं। ये यहां है, ये निकाली गई गडरा रोड पार। अच्छा, बीकानेर में कहां तक? तो दंतोर और कई जगह इसको पुगल भी कहते, लिखा हुआ मिल जाता दंतोर या पुगल। तो देखिए सबसे पहले निकाली गई है फीडर नहर। प्रथम चरण में दोस्तों इसका जो काम हुआ था वो हुआ था यहां तक, ये यहां से यहां तक था, ये था इसका फर्स्ट। ये क्या था? इसका फर्स्ट चरण। फिर इसके नीचे देखो, ये दंतोर से मोहनगढ़ और मोहनगढ़ से फिर गडरा रोड तक। तो दोस्तों ये जो यहां तक हुआ था ये हुआ था इसका सेकंड चरण। क्लियर है डायग्राम आपको? फिरोजपुर से निकाली गई है फीडर नहर। फीडर नहर का मतलब क्या है कि पाइप जो है यहां तक, पाइप है पैक है यहां तक और फिर यहां से खुली आ जाती है। ठीक है, कहां तक है? बीकानेर, इसमें दंतोर लिखा हुआ मिल सकता है, वो पुगल भी लिखा हुआ मिल सकता है। फिर द्वितीय चरण में निकाली गई दंतोर बीकानेर से लेकर गडरा रोड बाड़मेर तक। ठीक है, तो एक बार इसको यहां तक आप नोट डाउन कीजिए, फिर देखते हैं अपन आगे। तो दोस्तों यहां तक की चीज क्लियर है अपने? ठीक है, अच्छा एक बार दोबारा सुन लो मैंने क्या बताया अब तक। राजस्थान नहर उद्घाटन 31 मार्च 1958 को गोविंद वल्लभ पंत के द्वारा, तत्कालीन गृह मंत्री थे इंजीनियर कंवर सेन था, 1948 में इसने परियोजना दे दी थी कि बीकानेर में पेयजल की समस्या हल करनी है तो क्या बना लो? राजस्थान नहर बना लो। इंदिरा गांधी नहर परियोजना नाम कब दिया गया? 2 नवंबर 1984 को। निर्माण
जिसके द्वारा व्यास को शतरंजन के ऊपर क्या बनाकर, हरिके बैराज फिरोजपुर पंजाब में बनाकर, ठीक है। अच्छा, और फिर उसके बाद में कि हरिके बैराज बनाया गया, यहां से निकाली गई फीडर नहर। फीडर नहर ये पाइपों द्वारा ओनली किस में काम आती है, ये यहां आती है ओनली सप्लाई करने में, ओनली किसके अंदर काम आती है, ये सप्लाई करने में। फिर है ये अपने मसीती वाली हनुमानगढ़, ठीक है, तक आइए। फिर यहां से तो ये जो पहला चरण है वो कहां से कहां तक है, पहला चरण है अपने हरिके बैराज से दंतौर तक। फिर दूसरा चरण है अपने कहां से, दंतौर से लेकर गडरा रोड तक, ठीक है। फिर देखिए उसके बाद में अगला जो चरण है, अच्छा अगला एक चीज और देख लो फिर इसके बाद में कि इसके जो उपनाम है वो क्या है। तो दोस्तों उसको कहते हैं अपने राजस्थान की मरुगंगा, राजस्थान की मरुगंगा। ये किसने कहा था, ये इन्होंने कहा था गोविंद वल्लभ पंत ने, ठीक है। या फिर इसको कह सकते हैं अपने राजस्थान की जीवन रेखा। ध्यान रखना दोस्तों अभी आएगा बीकानेर की जीवन रेखा, तो कई बार आप गड़बड़ करके आ जाते हो बीकानेर की जीवन रेखा इस राजस्थान नहर को इंदिरा गांधी नहर परियोजना करके आ जाते हो, नहीं करनी है, गलत हो जाएगा। अभी बताऊंगा मैं बीकानेर की जीवन रेखा किसको कहते हैं, ठीक है। तो राजस्थान की मरुगंगा या फिर राजस्थान की जीवन रेखा कहेंगे राजस्थान नहर को या फिर इंदिरा गांधी नहर परियोजना, ठीक है। इसको क्लीन कर दूं, बढ़ जाते हैं आगे। देखिए दोस्तों आराम से चीज को समझते जाइए, वीर मैं कह रहा हूं कि इस चैनल पे आपको सारी की सारी जो चीजें हैं बिल्कुल इजी वे में और कंप्लीट चीजें मिलेगी, ठीक है। ऐसा नहीं कुछ कि आधी चीज बता दी और आधी चीज छोड़ दी। अच्छा दो चरण याद रखना, अभी आगे काम आएंगे मेरे। क्या क्या, पहला चरण फिरोजपुर से लेकर या हरिके बैराज से लेकर कहां तक, दंतौर बीकानेर तक, ठीक है, जिसके अंदर फीडर नहर और मुख्य नहर है। दूसरा चरण है दोस्तों वो दंतौर से लेकर कहां, गडरा रोड बाड़मेर तक, ठीक है साहब। चलो बढ़ जाते हैं अपन आगे, वो तो वही क्या उधर का डायग्राम, वो दिमाग के अंदर रखना डायग्राम। अब देखिए दोस्तों जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है ना IGNP, इसकी जो कुल लंबाई है टोटल लेंथ, ये है दोस्तों 814 किलोमीटर। अच्छा इसका जो काम हुआ है दोस्तों, काम कितने चरणों में पूरा हुआ है, दो चरण। कितने चरणों में पूरा हुआ है काम इसका, दो चरण। दो चरणों में देखिए कैसे कैसे, पहले लेता हूं मैं ये फर्स्ट चरण और ये लेता हूं मैं इसका सेकंड चरण, ठीक है साहब। फर्स्ट चरण के अंदर दो काम किए हैं, फर्स्ट चरण के अंदर दो काम क्या क्या किए हैं दोस्तों। पहली जो नहर है वो कहां से है, पहले नहर भी देखा था पढ़ने हरिके बैराज से मसीती वाली हनुमानगढ़, जिसको अपन ने क्या नाम दिया था दोस्तों, फीडर नहर। बोलो क्लियर है। फिर दोस्तों जो दूसरा है इसके अंदर वो है मसीती वाली से कहां तक, दंतौर बीकानेर। दूसरे चरण के अंदर, अच्छा ये तो फीडर नहर और ये हो गई अपनी कौन सी नहर, मुख्य नहर। अच्छा दूसरे चरण में सारी की सारी मुख्य नहर है, तो मैं यही लिख देता हूं मुख्य नहर। क्लियर है, ठीक है साहब। इसमें भी वही दो चीजें, कहां तक आ गए अपने, दंतौर तक आ गए। मैं पेन चेंज करके लिख लेता हूं दंतौर से मोहनगढ़, दंतौर से मोहनगढ़। अच्छा मोहनगढ़ याद करो लाठी सीरीज, जहां से लाठी सीरीज निकलती है, ठीक है। अगर वीडियो नहीं देखो तो पीछे जाकर देख लेना, मोहनगढ़ वही है जहां से लाठी सीरीज निकलती है। फिर मोहनगढ़ लाठी सीरीज क्या है, लाठी सीरीज है कि एक स्थान है जहां पर, जिसको थार का गढ़ा भी कहते हैं, ठीक है, वहां पर बाकी सब जगह सूखा है लेकिन उस एक थोड़ी सी गैप है, उस गैप में जहां भी है बहुत सारा क्या पानी अवेलेबल है। तो दोस्तों ये है अपने मोहनगढ़ से गडरा रोड, मोहनगढ़ से गडरा रोड। अच्छा टोटल लेंथ भी पूछ सकता है आपको और इनकी अलग अलग लेंथ भी पूछ सकता है। देखिए इसकी लेंथ है दोस्तों वो है 204 किलोमीटर। मसीती वाली से दंतौर तक लेंथ है दोस्तों 159 किलोमीटर।
दंतौर से मोहनगढ़ तक जो नहर, अच्छा ये पूरी की पूरी मुख्य नहर है, इसकी दोस्तों जो है वो है 256 किलोमीटर, और दोस्तों इसकी कितनी है 160 किलोमीटर। तो ये है दोस्तों इसकी अलग अलग लंबाई। तो अगर टोटल लंबाई आपको पूछा जाए कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना या फिर राजस्थान नहर की टोटल लंबाई बताइए, तो टोटल लंबाई कितनी हो जाएगी अपने पास 814 किलोमीटर। अलग अलग पूछा जाए कि पहले चरण में कितनी है, तो पहले चरण में जोड़ दो इसको, जोड़ो देखो इन दोनों को जोड़ो कितना आएगा 393 किलोमीटर। अगर पूछा जाए कि पहले चरण में कितना हुआ था, तो पहले चरण में कितनी हुई थी 393 किलोमीटर, ठीक है। अच्छा दूसरे चरण में पूछा जाएगा तो 256 इसको जोड़ दो। इसमें भी अलग अलग पूछा जाए कि फीडर नहर, ये पूछ सकता है कई बार कि फीडर नहर की लंबाई कितनी है, यानी ध्यान रखना दोस्तों फीडर नहर का मतलब मैं आपको बता चुका हूं कि वह नहर जो पाइपों के द्वारा जा रही है, ठीक है, जहां से सप्लाई नहीं होती। तो फीडर नहर की लंबाई कितनी है 204 किलोमीटर, फीडर नहर की लंबाई कितनी है अपने 204 किलोमीटर, और पहले चरण की टोटल लंबाई 393 किलोमीटर। कितने चरणों में काम पूरा हुआ है, दो चरणों में, कितने चरणों में काम पूरा हुआ, दो चरण, टोटल लंबाई 814। ये मैंने दो बार रिपीट कर दिया आपको, ठीक है। तो आप इसको यहां तक नोट डाउन कर लीजिए, ये हो गई दोस्तों इसकी लंबाई के बारे में, ठीक है। इसको आप एक बार नोट डाउन करना है, स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। फिर अपन बढ़ते हैं आगे इसका जो अगली चीज है। तो दोस्तों यहां तक की जो चीज है वो नोट डाउन होगी, ठीक है। अपन अब बढ़ते हैं देखिए आगे, मैं इसको रब कर देता हूं। तो इसकी जो अलग अलग डिवीजन है वो इसने अपन ने देख लिया है, ठीक है, कि फीडर नहर वगैरह कहां तक है, क्या चीज है, कहां तक है। अब देखिए दोस्तों अगला जो देखनी है वो देखना है अपने को इसकी शाखा, इंदिरा गांधी नहर परियोजना की क्या शाखा है, यानी कि ब्रांचेज। ध्यान रखना दोस्तों ब्रांचेज अलग है और लिफ्ट अलग है, जो लिफ्ट नहरें निकाली गई है वो अलग है और शाखाएं इसकी अलग है। शाखाएं दोस्तों टोटल 9 शाखाएं, कितनी है 9, जिसमें याद रखने वाली पहली चीज कि बाईं तरफ शाखा केवल कितनी है 1 और दाईं तरफ शाखाएं कितनी है 8। बाईं तरफ शाखा कितनी है 1 और दाईं तरफ शाखा कितनी है 8, तो इसको याद रखोगे आप 1+8, ठीक है, या बेटर लिखोगे तो आप लिखो इसको 8+1। क्यों लिखो 8+1 वो बताता हूं। अब देखिए दोस्तों इंदिरा गांधी जो नहर परियोजना है, ठीक है, वो इधर ऊपर से एंटर हनुमानगढ़ से एंटर करते हुए इधर नीचे की तरफ आती है बीकानेर जैसलमेर की तरफ, ठीक है। तो अगर दोस्तों मैं इसको इस प्रकार से बनाऊं, ये जो है अगर ये इंदिरा गांधी नहर बना, ठीक है, तो अगर ये यूं चल रही है, मान लो देखो अब आप इसमें यूं खड़े हो जाओ, ध्यान रखना, तो इधर वाली क्या हो जाएगी दाएं और इधर वाली क्या हो जाएगी बाएं, तो ये इसका है बायां और ये इसका है दाएं। पहले तो ये चीज क्लियर होनी जरूरी थी, तो क्लियर है। ये किसकी बात कर रहा हूं मैं, यार IGN, मैंने कहा कि बाई तरफ एकमात्र शाखा है जिसका नाम है रावत सर शाखा, रावत और रावत सर हनुमानगढ़ के अंदर तहसील है, उसी के नाम पर क्या दिया गया नाम शाखा, तो रावत सर शाखा, तो रावत सर शाखा कहां है हनुमानगढ़ के, क्लियर है। अच्छा ये पहली चीज तो इसकी कि बाईं तरफ निकाली गई एकमात्र शाखा, बाईं तरफ निकाली गई एकमात्र शाखा, पहली चीज तो। अच्छा दूसरी चीज इसके बारे में, IGNP पर निर्मित प्रथम शाखा, तो पूछा जाए कि IGNP पर निर्मित प्रथम शाखा कौन सी है, तो वो भी रावतसर शाखा। बाईं तरफ निकाली गई एकमात्र शाखा कौन सी है, तो वो भी रावतसर शाखा, कहां हनुमान, कहां हनुमान, क्लियर है। अब देखिए दोस्तों कि इधर की तरफ हनुमानगढ़, फिर थोड़ा सा इधर आप मैप देख लेना आराम से राजस्थान का, ठीक है, आप जब मैप देखोगे तो आपको पता लग जाएगा इधर की तरफ कौन है हनुमानगढ़, ठीक है, और इधर की तरफ कौन है हल्का सा करता हुआ कौन है गंगा, ठीक है। तो दोस्तों इधर की तरफ ऊपर की तरफ दो शाखाएं निकाली गई है, सूरतगढ़ और अनूपगढ़, कहां श्री गंग,
एक सेकंड के लिए मैं आपको इसका मैप शो करवा देता हूं। एक सेकंड के लिए ये जो मैप है इसमें आप क्लियर देख सकते हो, ठीक है, कि किस प्रकार से जो ऊपर वाले जिले हैं अपने, ठीक है, उधर की तरफ बनगर रेड है, फिर इधर बीकानेर, श्री गंगानगर, चिचोड़ा बीकानेर आता है, फिर बीकानेर सिंचा जैसलमेर आता है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों क्या है इसमें, रावतसर शाखा हनुमानगढ़ इधर की तरफ निकल गई, सूरतगढ़ अनूपगढ़। अब देखिए याद करो पहले चरण जो फीडर है, फीडर के बाद कहां तक आती है, दंतौर तक आती है, सॉरी हाँ दंतौर तक आती है। तो देखिए दोस्तों अगली जो शाखा निकाली गई है वो निकाली गई है दंतौर, अगली जो निकाली गई वो निकाली गई पुगल, पुगल की राजकुमारी का पढ़ा होगा आपने बीकानेर के इतिहास में। अगली जो निकाली गई दोस्तों वो है बिरसलपुर। ये जो तीनों शाखाएं हैं दोस्तों ये है किसमें, बीकानेर के। अरे बिल्कुल अपने दोस्त के नाम याद रखते हो ना, राम श्याम मुकेश, सेम उसी प्रकार नाम ही याद रखने, दंतौर पुगल और बिरसलपुर। इसमें क्या ट्रिक बताऊंगा, अब ट्रिक बनाने लग जाओ इसमें, दांत पुगे बिरसलपुर, पुगे दांत बिरसलपुर, फालतू की ट्रिक नहीं बनानी हर जगह, ठीक है, सिंपल सी याद रखो। इंपॉर्टेंट इसके अंदर एक ही चीज है, ये रावतसर शाखा का पूछता है ज्यादातर कि बाई और निकाली गई एकमात्र शाखा कौन सी है, तो रावतसर शाखा कहां स्थित है, हनुमानगढ़ में, सूरतगढ़ अनूपगढ़ गड्ढे दो, दंतौर पुगल बिरसलपुर बीकानेर में। अच्छा फिर नीचे जाओगे तो मैप में क्लियर था आपको कि नीचे कौन आएगा, जैसलमेर, जैसलमेर में दो शाखाएं निकाली गई है, दोनों का नाम शहीद के नाम पर है। अच्छा जैसलमेर से पहले बीच में आ जाता है जोधपुर, इसमें एक शाखा निकाली है दोस्तों चारण वाला, कौन सी, चारण वाला, इसको आप एक बार छोड़ो क्योंकि इसके बारे में भी लूंगा थोड़ा सा, मैं और बढ़ा देता हूं, यहां तक आपको विजिबल हो रहा होगा, हाँ क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, विजिबल खूब जगह है अपने बोर्ड पे, बोर्ड चेंज करने के बाद अपने को फायदा हो गया, चारण वाला, ठीक है, अभी बताऊंगा इसके बारे में। पहले से देखो दो, ये निकाली गई दोस्तों शहीद बीरबल और शहीद सागरमल गोपा, दोनों कहां के, जैसलमेर के थे, ये कहां निकाली गई है, जैसलमेर। अब देखिए श्री गंगानगर आ गया, बीकानेर आ गया, जैसलमेर आ गया, इंदिरा गांधी नहर परियोजना की एकमात्र शाखा जो दो जिलों में जाती है ये चारण वाला, इसको मैं अलग से रेड से लिखता हूं, ये कौन कौन से, किसके अंदर, बीकानेर जैसलमेर के बीच में ना, तो ये दो में जाएगी, बीकानेर, बीकानेर और सोड़ में बीकेएन लिखा याद रखना, और जैसलमेर, इसमें लिख भी देता हूं मैं, एकमात्र शाखा जो दो जिलों में जाती है, ये क्यों लिखा है, क्वेश्चन पूछ लिया था एक बार क्या पूछ लिया था इसका क्वेश्चन, कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना उस शाखा का नाम बताइए जो चारण वाला है, अरे चारा देने वाला है, ठीक है, और जो चारा देगा वो सब जगह जाएगा, तो चारण वाला शाखा है जो एकमात्र शाखा जो कहां जाती है, दो जिलों के अंदर जाती है, ठीक है, बीकानेर जैसलमेर और ये शहीद बीरबल और शहीद सागरमल किसके अंदर, केवल जैसलमेर। देखो शाखाएं कितनी हो गई बताओ, देखिए अभी काउंट करते हैं, इधर से काउंट करते हैं शुरू से, एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ, बोलो मैंने बताई थी शुरू में नौ शाखाएं बताऊंगा, तो नौ बता दी, अरे नौ ही होती है बताऊंगा क्या, ठीक है, एक प्लस आठ प्लस एक क्यों बोला था, देखो आठ इधर है एक उधर है, एक बाई तरफ आठ दाई तरफ, ज्यादा मजबूत कौन सा होता है, जिस हाथ से काम करते हैं और हाथ कौन चल रहा है, दायां ज्यादा चलता है ज्यादातर लोगों का, ठीक है, कुछ लेफ्ट हैंडर भी होते हैं ज्यादातर राइट हैंडर होते हैं, इस कारण इधर तरफ क्या है ज्यादा शाखा, इस तरफ क्या है कम शाखा, याद रहेगा नाम, इधर कौन सी एकमात्र शाखा, केवल रावतसर शाखा, फिर कह रहा हूं नहीं मिलेगा आपको, ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर आगे वाले वीडियो का और फायदा लेना चाहते हो, नहीं मिलेगा आपको, आप उठा के देख लेना, इस प्रकार मैप से आपको समझाया बहुत ही कम मिलेगा, ठीक है, तो इसको एक बार आप यहां तक नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, फिर अपन बढ़ते हैं। अच्छा एक चीज यही पे आप ध्यान बता दूं मैं, कि सर्वाधिक शाखाएं ज्यादातर से सिंचाई काम में आती है, तो सर्वाधिक सिंचाई किसमें होती है, तो अगर सर्वाधिक सिंचाई वाला जिला पूछे तो ये है नन अदर देन बीकानेर, भाई सबसे पहला काम ही पूरा बीकानेर के लिए कर रहे हैं अपन, ठीक है, शुरू में जब कवर से इन्हें प्रयोजन दी तब भी किसके लिए दी थी, स्पेशल नाम बोला था बीकानेर के लिए, तो सर्वाधिक सिंचाई किसमें कौन से जिले में होती है, बीकानेर जिले के अंदर, तो क्लियर है यहां तक चीज, करो देखिए इसको नोट डाउन, बढ़ते हैं फिर आगे। हां जी
यहां तक क्लियर है? तो आपने नोट डाउन कर लिया होगा इसको। अब देखिए अपन बढ़ जाते हैं अगली चीज की ओर। तो अपन ने देख ली इंदिरा गांधी नहर परियोजना की 9 शाखा है। अब देखिए मैं इसको रब कर देता हूं। 9 शाखाओं में से एकमात्र शाखा जो बाई ओर निकाली गई कौन सी शाखा? रावतसर शाखा। सबसे पहले भी कौन सी शाखा बनी थी? ये रावतसर शाखा ही बनी थी। अब देखिए, अब दोस्तों जो पढ़नी है अपने को, इसको मैं क्लियर कर देता हूं पूरा। अब अपने को जो पढ़नी है दोस्तों, वो पढ़नी है अपने को IGNP की लिपटे। कितनी लिपटे हैं दोस्तों? 7 लिपटे। कितनी लिपटे हैं? 7 लिपटे। अच्छा, सातों की सातों जो लिपटे हैं वो बनाई गई है बाईं ओर। सातों की सातों लिपटे कहां बनाई गई है? बाईं ओर। अच्छा, बाईं ओर क्यों बनाई गई है दोस्तों? क्योंकि जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो निकलती है उसका बाईं ओर का धरातल ऊंचा है, और लिफ्ट का मतलब आप समझते हो उठाना। लिफ्ट का अगर शाब्दिक अर्थ लिया जाए तो क्या होता है? उसका मतलब उठाना, यानी अप। तो लिफ्ट बनाई गई बाईं ओर क्योंकि बाईं ओर का धरातल ऊंचा है। बाईं ओर का धरातल क्या है? ऊंचा है। इस कारण सारी सारी लिफ्ट कहां बनाई गई है? बाईं ओर बनाई। कितनी बनाई गई है? 7। कितनी बनाई गई है? 7। तो देखिए समझते हैं इनको। सबसे पहले बनाता हूं मैं नहर। तो दोस्तों ये अपनी इस प्रकार से जा रही है, ये IGNP इंदिरा गांधी नहर परियोजना। 7 लिपटे बनाई गई है। 101% क्वेश्चन आप राजस्थान का कोई सा भी एग्जाम दोगे जिसके अंदर राजस्थान ज्योग्राफी का ये टॉपिक है, तो उसमें मान के चलोगे यहां से अगर क्वेश्चन उठाता है इंदिरा गांधी नहर परियोजना का, तो पहला क्वेश्चन उठाने का चांसेज होता है लिफ्ट से। इवन RS प्री और मेंस तक के एग्जाम में भी यहां तक क्वेश्चन उठाएगा वो लिफ्ट में से। तो पहले तो लिफ्ट 7 ये नहीं पूछेगा, पूछता क्वेश्चन ये कि लिफ्ट का नाम क्या है, लिफ्ट का ऊपर से नीचे की ओर क्रम बताओ, और फिर लिफ्ट ये वाले लिफ्ट कौन से दो जिलों को लाभान्वित करती है, ये वाला लिफ्ट कौन से दो जिलों को लाभान्वित करती है, ये वाली चीज अपने को पूछता है। तो देखिए वन बाय वन अपन पढ़ते हैं उसको। 7 लिफ्ट है, देखिए 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 लिफ्टें निकाली गई है। बाईं ओर क्यों निकाली गई है उसका मतलब बता चुका हूं आपको, ठीक है? बाईं ओर ताकि पानी को ऊपर करके और सिंचाई के लिए क्या लिया जा सके? काम में लिया जा सके। पहले इनके नाम, तो दोस्तों नाम याद रखने आपको बचपन में पहुंचा, याद करो वो दिन जब आप छोटे बच्चे हुआ करते थे, आप याद करते थे क्या खेले, वो जो 5 लाइने थी उनके पहले पहले वर्ड याद करो, के चे टे ते पे, बोलो थे कि नहीं थे? कैच टे ते पे टेको भूल जाओ, दो ऊपर वाले दो नीचे वाले, केको लो या चेको लो या टेको लो या और पेको लो या। सबसे पहली लिफ्ट है चौधरी कुंभाराम लिफ्ट, चौधरी कुंभाराम। क्लियर है भाई? दूसरी जो इसका इंजीनियर था कौन था? कबर सिंह। ये भी क्वेश्चन याद रख लेना आप, इंदिरा गांधी नहर परियोजना का इंजीनियर कौन था? डॉक्टर कबर से, इंजीनियर कबर सिंह, ठीक है? फिर देखिए टे भूल जाओ, पैसे पन्ना लाल बारूपल, पन्ना लाल बारूपल, तेजा जी पूरा लिख देता हूं मैं, पन्ना लाल बारूपल लिफ्ट, तेजा जी लिफ्ट और व्हील जी। फिर दोस्तों याद रखना आपको करणी जंबेश्वर और जय नारायण व्यास, करणी सिंह लिफ्ट, गुरु जंबेश्वर लिफ्ट और जय नारायण
इतिहास लिप्ट। अब दोस्तों लिप्ट का काम तो यहां तक हो गया, ठीक है। अब इसमें याद रखना है अपने को कि कौन सी लिप्ट है वो कौन से जिलों को लाभान्वित करती है। तीन तीन छह सात कौन से लिप्ट कौन से, ध्यान रखना दोस्तों। बीकानेर सारी लिप्ट के अंदर आएगा, ऊपर से लेकर नीचे तक, केवल जयनारायण व्यास को छोड़ के। जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी कहां, जोधपुर में। जयनारायण व्यास के लिए सर्कल वगैरह रोड वगैरह कहां, जोधपुर के अंदर, ठीक है। तो इसमें बीकानेर का कोई रोल नहीं है। तो इन सारों के अंदर एक तो चीज क्या आएगी, सब में बीकानेर। पहली चीज तो मैं सब में लिख देता हूं बीकानेर। तो लाभान्वित जिले में एक ऑप्शन तो रहेगा सब के सब में बीकानेर, कौन से एक को छोड़कर, जयनारायण व्यास वाले को छोड़कर बीकानेर। बीकानेर और अच्छा इसमें तो आएगा नहीं, तो पहले इसको याद कर लो। जय नारायण व्यास कहां से स्टार्ट हो रही है, जय से। बाकी कोई जय से स्टार्ट हो रही है, तो इसमें दो जिले आएंगे, जोधपुर और जैसलमेर। दोनों जय से स्टार्ट हो रहे हैं, जोधपुर वे। दोस्तों यहां तक विजिबल तो हो रहा होगा आपको, हाँ हो रहा है, चलो बच गए, यहां तक विजिबल हो रहा है। फिर भी वो अगर पट्टी चल रही हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप याद रख लेना कि सबसे नीचे वाली लिफ्ट कौन सी, जय नारायण व्यास वाली, जोधपुर और जैसलमेर। क्लियर है ना, याद रख लेना इसको। अच्छा बीकानेर 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 ये सारू के अंदर आएगा, ये सारू के अंदर आएगा। अब देखो इन सात लिफ्ट में से बीच की लिफ्ट कौन सी है, ऊपर तीन नीचे तीन, करें तीतर के आगे दो तीतर, पीछे दो तीतर, तो बीच में एक तीतर, टोटल कितने हुए, पांच हुए ना, ठीक है। उसी प्रकार देखो तीन पीछे तीन आगे, वीर तेजा ये केवल किसके अंदर है, बीकानेर के अंदर। वीर तेजा किसके अंदर है, केवल बीकानेर के अंदर। अब देखिए ये जो पहली लिफ्ट है दोस्तों वो है बीकानेर झुंझुनू हनुमानगढ़, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, आगे जगह नहीं है इसका। बीकानेर झुंझुनू हनुमानगढ़ और चूरू, ये लिफ्ट कितने जिलों के अंदर है, चार जिलों के अंदर। कवरसेन लिफ्ट जो है बीकानेर और श्री गंगानगर। पन्नालाल बारूपल लिफ्ट बीकानेर, गड़बड़ तुम लोग क्या करते हो यहां पर कि तेजा जी का नाम देखकर आप जो ये है ना वीर तेजा लिफ्ट इसको कहां कर देते हो, नागौर के अंदर। क्यों, क्योंकि तेजा जी की जन्मभूमि कहां है, नागौर के अंदर है, ठीक है। इस कार्ड करनाल के अंदर है, इस कार्ड आप क्या करते हो, नागौर को। ध्यान रखना वीर तेजा जी लिफ्ट कहां है, बीकानेर के अंदर। तो चौथी हो गई वीर तेजा जी लिफ्ट कहां पर हो गई, केवल मैं इसको स्टार लगा देता हूं। फिर अगली करणी सिंह लिफ्ट बीकानेर, इसमें बीकानेर के अलावा तो नीचे वाले दोनों वो और जोड़ दो, जोधपुर व जैसलमेर, जोधपुर व जैसलमेर। देखो अगर नाम आपको नहीं दिख रहे हो क्लियर तो मैं बता देता हूं, नाम याद रखना तो आगे यहां से तो याद रखो कैचे से, और फिर याद रखोगे करणी गुरु जे, करणी गुरु की क्या है जे, ऊपर तो याद रहेंगे, फिर यहां से याद रखो तेजा जी महाराज करणी और गुरु की क्या हो जय हो, तेजाजी महाराज करणी गुरु की क्या हो जय वगैरह से याद नहीं करना हो तो, चौधरी कवर, चौधरी कवर पन्ना, तेजाजी महाराज करणी गुरु की क्या हो जय वगैरह से याद रखो तो और भी बढ़िया है। पहली चौधरी कुंभाराम लिफ्ट बीकानेर झुंझुनू हनुमानगढ़ और चूरू। क्वेश्चन पूछता है कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना की उस लिफ्ट का नाम बताइए जिसे सर्वाधिक जिले लाभान्वित होते हैं। चौधरी चौधरी साहब है तो सर्वाधिक जिलों को लाभान्वित करेंगे। फिर कंवरसेन लिफ्ट बीकानेर श्री गंगानगर, उस लिफ्ट का नाम बताइए तीन जिले लाभान्वित होते हैं। गुरु जम्बेश्वर लिफ्ट बीकानेर जोधपुर जैसलमेर, गुरु जी है ज्ञान बांटेंगे सबको, तो बीकानेर जोधपुर जैसलमेर। सब में बीकानेर आएगा केवल एक को छोड़ के, जयनारायण व्यास वाली, इसमें दो जे आएंगे जोधपुर जैसलमेर। करण वीर तेजा जी लिफ्ट केवल बीकानेर, केवल। तो दोस्तों ये हो गई अपने कितनी लिफ्टें, सात लिफ्टें। क्लियर है यहां तक, याद रहेगा कुंभाराम कंवरसेन पन्नालाल तेजाजी करणी गुरु जी, ठीक है। तो इसको एक बार नोट डाउन कीजिए, फिर अपन देखते हैं इसके अंदर आगे। हाँ तो दोस्तों यहां तक नोट डाउन कर लिया,
अब देखिए इसके अंदर कुछ छोटी छोटी मगर इंपॉर्टेंट बात। पहली चीज पूछता है कि आईजीएनपी पर सबसे पहला लिफ्ट कौन सी बनाई गई थी, सर्वप्रथम लिफ्ट, सर्वप्रथम बनने वाली शाखा तो रावतसर शाखा, सबसे पहले बनने वाली लिफ्ट इंजीनियर कौन था, सर कंवर सेन। तो ये वाली जो दोस्तों लिफ्ट थी वो थी सब पहली, फर्स्ट लिफ्ट वह सबसे लंबी, फर्स्ट लिफ्ट वह सबसे लंबी कौन सी, कंवर सेन। चौधरी कुंभाराम सर्वाधिक जिलों तक विस्तार, ये मैं बता चुका हूं चीजें वही लिख रहा हूं दोबारा, सर्वाधिक जिलों तक विस्तार, सबसे छोटी वीर तेजाजी वाली जो केवल कौन से एक ही जिले के अंदर है, कौन से में, बीकानेर, सबसे छोटी लिफ्ट। ठीक है, फिर देखिए नागौर वाली लिफ्ट है दोस्तों पन्नालाल बारूपल लिफ्ट। इसमें याद रखना कि नागौर में एक जगह है जायल तहसील, जायल तहसील में यहां पर जायल वी फ्लोराइडीकरण यंत्र संयंत्र लगाया गया है। ठीक है, वी फ्लोराइडिंग मतलब पानी के अंदर फ्लोराइड होता है जो अपने स्वास्थ्य के लिए क्या होता है, बहुत ही हानिकारक होता है, उसको हटाने के लिए संयंत्र लगाया गया है यहां पर जायल। ठीक है, तो दोस्तों ये हो गई सात लिफ्टें, तो नौ शाखाएं, सात लिफ्टें और तीन है दोस्तों यहां पर पेयजल आपूर्ति के लिए लिफ्टें। ठीक है, उन तीन के नाम याद रख लो बस, और कौन कौन से जिलों को लाभान्वित करती है, और बस यहां पर अपनी इंदिरा गांधी नहर परियोजना हो जाएगी। हालांकि इसमें क्वेश्चन दूंगा मैं आपको मेंस के हिसाब से, ठीक है, वो क्वेश्चन आप सर्च करके मेरे को बताना, अगर नहीं हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख देना ताकि मैं उसको आपको क्लियर कर सकूं। ठीक है, तो बताओ देखिए एकमात्र एक ही जिले में जाने वाली सबसे छोटी लिफ्ट वीर तेजाजी वाली, सबसे छोटी लिफ्ट वीर तेजाजी वाली। अब देखिए तो ये तो हो गया, अब देखते हैं आईजीएनपी पर निर्मित पेयजल परियोजना, या पेयजल कहीं लिफ्ट भी कहते तो आप जोड़ नहीं लेना, मेन बेस परियोजना के नाम से पूछेगा। पहली दोस्त इंजीनियर था कौन इसका, कंवर सेन, तो कंवर सेन। दूसरी आपनी पेयजल परियोजना या सो कहते हैं गांधेली साहेबा परियोजना। तीसरी चूरू सिद्धमुख परियोजना, कंवर सेन परियोजना, आपनी पेयजल, गांधेली साहबा, चूरू सिद्धमुख, तीन है इसका इंपॉर्टेंट है। पूछेगा कि आईजीएन पर निर्मित पेयजल परियोजना या लिफ्ट कितनी है, तीन, कौन कौन सी, कंवर सेन, आपनी पेयजल और चूरू सिद्धमुख परियोजना। अच्छा ये कहां कहां है, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, बीकानेर प्लस श्री गंगानगर। कंवर सेन लिफ्ट परियोजना किसको उसको लाभ दे, किस किस को पेयजल उपलब्ध करवाती है, तो बीकानेर जिले को और श्री गंगानगर को। अच्छा आपनी या फिर गादेली साहब, चूरू प्लस झुंझुनू, आपनी पेयजल या फिर गादेली साहब, चूरू प्लस झुंझुनू। इसमें देखो चूरू तो नाम खुद ही आ रहा है, चूरू सिद्धमुख नहीं है इसकी, राजीव गांधी पेयजल चूरू वाली नहीं है, ये है अपने जोधपुर, राजीव गांधी पेयजल। तो तीन लिफ्ट है कौन सी है, अपने कंवर सेन परियोजना, आपनी पेयजल परियोजना और राजीव गांधी पेयजल परियोजना। तो राजीव गांधी किसको देती है, जोधपुर को, ये सबसे लेटेस्ट है, ये न्यू है, ध्यान रखना। पूछा है तीनों में सबसे लास्ट में कौन सी अभी बनी है, राजीव गांधी वाली थोड़े दिनों, पांच दस साल पहले ही बनी है, 2010 के आसपास। राजीव गांधी पेयजल परियोजना जोधपुर को, आपनी पेयजल परियोजना गादेली साहबा चूरू झुंझुनू को, कंवर सेन परियोजना बीकानेर और श्री गंगानगर को। ठीक है, ये तीन लिफ्ट है, तो याद रखना है अपने को नौ शाखाएं, सात लिफ्टें, तीन पेयजल। अब देखिए क्वेश्चन आपके लिए, पहले इसको मिटा के, तो यहां तो मिटा दो, यही लिख देता हूं मैं क्वेश्चन। पहला इंदिरा गांधी नहर परियोजना आईजीएनपी के लाभ लिखिए, और क्वेश्चन नंबर टू आईजीएनपी से उत्पन्न समस्याएं लिखिए। ये क्वेश्चन है अपने
मेंस के बोर्ड, आरएस मेंस के दोनों क्वेश्चन। मेंस में पिछला बोर्ड में आपका पेपर आता है उस टाइप का पेपर आता है, तो क्वेश्चन पूछता है आईजीएनपी के लाभ लिखिए और आईजीएनपी के उत्पन्न समस्या लिखिए। क्वेश्चन पेपर से पूछता है, क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना का विश्लेषणात्मक रूप से वर्णन कीजिए। क्वेश्चन क्या पूछेगा दोस्तों कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना का विश्लेषणात्मक रूप से वर्णन कीजिए। तो विश्लेषणात्मक रूप से वर्णन करने का मतलब यही है कि उसके लाभ लिखो, उत्पन्न समस्याएं लिखो और फिर लिखो। क्योंकि इसके लाभ जो है वो समस्याओं से ज्यादा है, क्यों? क्योंकि लोगों को पेयजल, सिंचाई आदि आदि चीजों के लिए क्या चाहिए होते हैं, पानी की आवश्यकता होती है। अतः अपन मान सकते हैं कि ओवरऑल इंदिरा गांधी नहर परियोजना अपने राजस्थान के लिए क्या एक तरह का वरदान है, राजस्थान के लिए क्या है वरदान है। तो क्लियर है ये चीज, ठीक है, ये क्वेश्चन लिख लेना। अच्छा एक और चीज दोस्तों जो यहां पर इंपॉर्टेंट करके लिखता हूं, मैं इसको यहां लिखता हूं, स्काडा सिस्टम। सिंपल याद लेना, पूरा समझने की जरूरत नहीं, टेक्निकल है, इंजीनियरिंग का टॉपिक है। स्काडा सिस्टम आप अगर इतना याद रखो, स्काडा सिस्टम जो है इसको हिंदी में ऐसे ही पूछेगा, कहो सर इंग्लिश में बता दिया, स्काडा सिस्टम नाम से ही पूछता है। स्काडा, स्काडा दोस्तों जो सिस्टम है वो इंदिरा गांधी नहर परियोजना पर लगाया गया एक सिस्टम है जो कि ऑटोमेटिक रूप से पानी की सप्लाई करने के लिए यूज में आता है। यानी ऑटोमेटिक रूप से जैसे पानी का भाव ज्यादा हो रहा है सप्लाई कम कर देगा, और पानी कितने घंटे माना है, कितने टाइम तक माना है, किस किस टाइम पर माना है पहले ही फिट करके रखता है वो अपने आप उस टाइम तक वो वाली लिफ्ट खुलती रहती है, दूसरी लिफ्ट बंद होती रहती है, वगैरह वगैरह सारी सारी चीजें चलती रहती है। अगर इसको स्काडा सिस्टम और तरह से समझना हो, ठीक है, तो आप वहां पर जाके जब सामने से देखोगे तभी आपको समझ में आएगी, टेक्निकल चीज है और यहाँ अपने ज्यादातर लोड लेना है, ठीक है। जीके में अपने सीधा सीधा सिस्टम क्वेश्चन पूछेगा कि स्काडा सिस्टम निम्न में से कौन सी नहर पर या कौन सी जो परियोजना उस पर लगाया गया, तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना। क्लियर है यहाँ तक, ये दो क्वेश्चन क्लियर है। अच्छा रिवाइज कर लेता हूँ, नौ शाखाएं, एकमात्र शाखा रावत सर कहाँ, अरे कहाँ रावत सर, बाई तरफ, बाकी ऊपर से स्टार्ट करना है, अनूपगढ़, सूरतगढ़, दंतोर, पुगल, बिरसा, चारणवाला, फिर शहीद वीरबल, शहीद सागर, मलगोपा, आठ इधर एक उधर रावत, नौ शाखाएं हो गई। लिफ्ट में कैचर टेपे में सबसे पहले लोग क्या, चे चौधरी कुंभारा, दूसरी कंवर सेन, टेको खा जाओ ते पे पे पहले पहलो पन्नालाल बारूपन, ते तेजाजी केवल बीकानेर के दर, करणी गुरु जम्बेश्वर और जय नारायण व्यास। बोलो क्लियर है। तो ये हो गई दोस्तों इंदिरा गांधी नहर परियोजना। एक क्वेश्चन ध्यान रखना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना इंदिरा गांधी नहर परियोजना नहीं था, पहला नाम क्या था इसका, राजस्थान नहर। इंदिरा गांधी नहर नाम कब किया गया था इसका, तो वो कब किया गया था अपने 2 नवंबर 1984 को, मैं बता चुका हूँ शुरू के अंदर, उद्घाटन वगैरह सारी सारी चीज़ें क्लियर, टोटल लंबाई 814, सारी चीजें मैंने आपको बता दी। इसके बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, किसी भी गाइड में से, किसी की भी कोचिंग टेस्ट सीरीज कहीं से भी आप पढ़ लें, ठीक है। तो आज की क्लास को दोस्तों यही और करते हैं, अगर चीज़ें आपको समझ में आ रही है, हमारे चैनल को आपको अच्छा लग रहा है तो इसे सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ अधिक अधिक शेयर करें, क्योंकि इस चैनल पर ना केवल आपको थ्योरेटिकल चीज़ें मिल रही है बाकी आपको इसके क्वेश्चन भी मिल रहे हैं। आपको एग्जाम में अभी जो गोल का जो वीडियो डाला था अपने 5-10 दिन पहले, उसमें आपको लगेगा कि आपने बहुत सारे क्वेश्चन आते ही नहीं है, 50 क्वेश्चन डाले, 20 क्वेश्चन आते होंगे, 30 नहीं आते होंगे, और उनमें 30 में अगर एग्जाम में आ गया तो लग गई लंका। तो इसका ध्यान रखना है, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने वीडियो है उनको देखते रहें, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं और करते हैं, थैंक यू।